राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। दोस्तों इनकी पत्नी का नाम पत्रलेखा है, वहीं पर इनके पिता का नाम सत्यपाल यादव है और इनकी माता का नाम कमलेश यादव है। आइए इनके फिल्मों के बारे में जानते हैं। साल 2010 में राजकुमार राव की पहली मूवी आई लव सेक्स और धोखा। दोस्तों इस मूवी का बजट 4,50,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 9,78,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11,52,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। 2011 में इनकी दूसरी मूवी आई रागिनी MMS। इस मूवी का बजट 6,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 9,87,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 14,68,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी भी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी तीसरी मूवी आई शैतान। इस मूवी का बजट 12,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 8,26,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11,25,00,000 का कलेक्शन किया और ये मूवी फ्लॉप रही। 2012 में राजकुमार राव की मूवी आई गैंग ऑफ वासेपुर। दोस्तों इस मूवी का बजट 18,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 22,00,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 31,21,00,000 का कलेक्शन किया और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई तलाश। इस मूवी का बजट 71,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 93,40,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 180,83,00,000 का कलेक्शन किया और सब ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई शहीद। दोस्तों इस मूवी का बजट 6,50,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई सिर्फ 1,99,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,92,00,000 कलेक्शन किया और ये मूवी फ्लॉप रही। 2013 में राजकुमार राव की मूवी आई कोई पूछे। इस मूवी का बजट 30,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 49,67,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 72,46,00,000 का कलेक्शन किया और ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई बॉयज तो बॉयज। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई सिर्फ 9,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12,00,000 का कलेक्शन किया और ये मूवी डिजास्टर रही। 2014 में इनकी मूवी आई क्वीन। इस मूवी का बजट 23,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 61,00,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 94,00,00,000 का कलेक्शन किया और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद राजकुमार की मूवी आई सिटी लाइट्स। इस मूवी का बजट 9,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 8,51,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9,99,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 2015 में राजकुमार राव की मूवी आई डॉली की डोली। इस मूवी का बजट 21,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 19,96,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 31,84,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई हमारी अधूरी कहानी। इस मूवी का बजट 40,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 32,99,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 51,87,00,000 का कलेक्शन किया और ये मूवी फ्लॉप रही। 2016 में राजकुमार राव की मूवी आई अलीगढ़। इस मूवी का बजट 11,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 2,50,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,74,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। 2017 में राजकुमार राव की मूवी आई टैप। इस मूवी का बजट 5,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 2,83,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,53,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल राजकुमार की मूवी आई बहन होगी तेरी। इस मूवी का बजट 13,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 2,22,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,00,00,000 की कमाई करी और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई बरेली की बर्फी। दोस्तों इस मूवी का बजट 20,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 34,55,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 58,55,00,000 का कलेक्शन किया और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई न्यूटन। इस मूवी का बजट 8,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 22,80,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 29,12,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। 2018 में राजकुमार की मूवी आई ओमेराता। इस मूवी का बजट 12,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 3,26,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,49,00,000 का कलेक्शन किया और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई शादी में जरूर आना। इस मूवी का बजट 13,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 11,14,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 21,00,00,000 की कमाई करी और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। हालांकि दोस्तों राजकुमार राव की ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी। दोस्तों इस मूवी के गाने ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुके थे, वैसे ये मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी थी। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई
कमाई फन्ने खान। इस मूवी का बजट 39 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 10 करोड़ 55 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 16 करोड़ 73 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई स्त्री। इस मूवी का बजट 24 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 129 करोड़ 90 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 180 करोड़ 76 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब राजकुमार राव की ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों स्त्री मूवी काफी बढ़िया मूवी थी और इस मूवी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। हालांकि दोस्तों इस मूवी का पार्ट 2 2024 में जल्द ही रिलीज होने वाला है। इसके बाद राजकुमार राव की मूवी आई 5 वेडिंग्स। इस मूवी का बजट 4 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई सिर्फ 32 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 41 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी फ्लॉप रही। 2019 में राजकुमार राव की मूवी आई एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इस मूवी का बजट 35 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 19 करोड़ 31 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 36 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई जजमेंटल है क्या। इस मूवी का बजट 32 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 33 करोड़ 95 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 40 करोड़ की कमाई करी और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। 2019 में राजकुमार राव की मूवी आई मेड इन चाइना। इस मूवी का बजट 30 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 10 करोड़ 37 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 14 करोड़ 44 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी डिजास्टर रही। 2020 में राजकुमार राव की मूवी आई शिमला मिर्च। इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई सिर्फ 1 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 लाख की कमाई करी और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई लूडो। इस मूवी का बजट 25 करोड़ रुपया था। दोस्तों इस मूवी को 45 करोड़ रुपए में नेटफ्लिक्स पर बेच दिया गया था। इस हिसाब से ये मूवी एवरेज रही। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई छलांग। इस मूवी का बजट 18 करोड़ रुपया था। दोस्तों इस मूवी को भी अमेजोन प्राइम पर बेच दिया गया था। 2021 में राजकुमार राव की मूवी आई व्हाइट टाइगर। दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ रुपया था। दोस्तों इस मूवी को 40 करोड़ रुपए में OTT पर रिलीज किया गया था। इस हिसाब से ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद राजकुमार राव की मूवी आई रूही। इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 23 करोड़ 25 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 30 करोड़ 33 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई हम दो हमारे दो। दोस्तों इस मूवी का बजट 14 करोड़ रुपया था और दोस्तों इस मूवी को OTT में 20 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। इस हिसाब से ये मूवी एवरेज रही। 2022 में राजकुमार राव की मूवी आई बधाई हो। इस मूवी का बजट 35 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 20 करोड़ 62 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 28 करोड़ 33 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई हिट द फर्स्ट केस। इस मूवी का बजट 35 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 9 करोड़ 29 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड़ 78 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल राजकुमार राव की मूवी आई मोनिका माई डार्लिंग। इस मूवी को भाई साहब नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो दोस्तों यह था राजकुमार राव का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बॉलीवुड की सारी खबरें मिलती रहती हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।